हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियोस दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों परेशान हैं कि किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे दूसरे एक और जो फीचर चैनल है आपका उसको ऐड करें और आपसे नहीं हो रहा, आप जब जाएंगे अपने चैनल सेटिंग्स में तो वहाँ पे फीचर चैनल का जो रहता है वहाँ पे दिखाता है यू डू नॉट हैव एनी फीचर चैनल, तो किस तरीके से उस चैनल को आप फीचर चैनल लिस्ट में ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने चैनल को ऐड कर सकते हैं फीचर चैनल में। तो मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं तकनीकी रोशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है चैनल को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्रोम या कोई भी ब्राउजर है उस पर जाना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, आप इसको क्रोम में भी खोल सकते हैं। फिर वहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे यूट्यूब सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको अपना चैनल जो है लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस जगह पे देखिए आपको एक आइकन अपना दिखाई देगा चैनल का, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूट्यूब स्टूडियोज, आपको यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियोज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, और ये चीज़ जो है आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है मोबाइल से करना। तो मोबाइल में दोस्तों आपको सबसे पहले अपने एक क्रोम ब्राउज़र में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको टाइप करना है youtube.com टाइप करना है आपको। टाइप करने के बाद यहाँ पे राइट में जो थ्री डॉट्स है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाइए, वहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ आएगा, बस उस डेस्कटॉप साइट को आपको टिक करना है। देखिए ध्यान से, यूट्यूब लिखने के बाद डेस्कटॉप साइट को आपको क्लिक करना है और आपका जो है वेबसाइट वो पूरा का पूरा डेस्कटॉप वर्जन में खुल। तो इसी तरीके से सेम आपको करना है, जैसा मैं आपको अभी डेस्कटॉप पर दिखाऊँगा वही चीज़ आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वो प्रोसेस जो है आप अपने डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों से कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टूडियो में आने के बाद आप यहाँ पे जब नीचे आइएगा तो सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक कस्टमाइजेशन करके दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको करना है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद दोस्तों आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऐड सेक्शन का ऑप्शन, आपको बस इस ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा फीचर्ड चैनल करके दोस्तों, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो दोस्तों मेरा जो सेकंड चैनल है वो मेरा ब्लॉग चैनल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया मैंने अपने व्लॉग चैनल। और यहाँ पे दोस्तों सर्च में आपको अपना उस व्लॉग चैनल जो भी आपका चैनल है उस चैनल का नाम सर्च करना है। जैसे कि मेरा जो चैनल है वो है दोस्तों तकनीकी रोशन व्लॉग VLOG। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं तकनीकी रोशन व्लॉग नाम से जो है मेरा ये चैनल आ गया है सबसे ऊपर। तो इस पर जस्ट टिक कर देना है और हमें यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा दूसरा चैनल तकनीकी रोशन व्लॉग फीचर चैनल में दिखा रहा है। बस अब दोस्तों यहाँ पे मुझे लास्ट में पब्लिश पे क्लिक कर देना है और ये जो है मेरा हो गया। तो अब मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों कि जब मैं अपने चैनल में जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ होम में। होम में जाने के बाद मैं यहाँ पर अपने चैनल पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों देखिए किस तरीके से यहाँ पर आ गया तकनीकी रोशन ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आ गया ऑप्शन। तो दोस्तों बहुत ही इजी था, इसी तरीके से आप अपने चैनल को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका ये प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बगल में जो डिजिटल मंदिर की घंटी है उसे दबाइए और टेक्निकल आशीर्वाद पाइए इसी तरीके के टेक्निकल वीडियोस के रूप में। और साथ ही दोस्तों मेरा एक और चैनल है, मेरा ब्लॉग चैनल तकनीकी रोशन ब्लॉग, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो जाइए जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से ऐसे किसी अन्य टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज रोशन साइनिंग ऑफ।